हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हिना एस्पायरेंट सोनू, ऑल क्लियर, डन। वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज अन अकेडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर पोल्स की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है हमारे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, जैसा यूपीएससी का सिलेबस है, जिस तरह का पैटर्न है उसी हिसाब से सारे कोर्स बनाए गए हैं, जिससे कि आप बेस्ट रूप से अपने आप को तैयार कर सके। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब एक बार अगर आप साल भर का, 2 साल का या 3 साल के लिए अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे साथ साथ जितने भी एडुकेटर हैं आपको अनअकैडमी में यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, सबके कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। बस करना क्या है, एक बार नवीन वन कोड को यूज करके आपको एक्सेस करना है, उससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और सबके सब कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसको प्लीज कीजिए, क्योंकि मेरी स्पेशल क्लासेस और जो मेरी प्लस क्लासेस है वो लर्निंग ऐप पे ही कंडक्ट होती है। एंड्रॉयड यूजर्स, जिनका फोन एंड्रॉयड यूजर्स है वो गूगल प्ले से, और जिनके पास एप्पल की डिवाइसेस है वो एप्पल के ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है, 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेन्स और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ, ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, क्या सब्जेक्ट रखना है ऑप्शनल, किस तरह से स्ट्रेटेजीज बनानी है, वो सारे के सारे आप इस ग्रुप पे, ये अनअकैडमी अंडरस्कोर नवीन तंवर है, यहाँ पे किसी भी तरह के डाउट पूछ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप लोग मुझे अनअकैडमी भी फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी.com पे नवीन तंवर नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको इंडिया के 100+ टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे के सारे कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किए गए हैं, चाहे पॉलिटी गवर्नेंस आईआर हो, ज्योग्राफी हो, साइंस टेक हो, एनसीईआरटी समरीज हो, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी, और जो आपके आंसर राइटिंग कोर्सेज है सब अनअकैडमी पे अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस का है और एक आइकॉनिक का है। जो प्लस है 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक अवेलेबल है, साल भर की जिसकी फीस है 49,500, 2 साल की है 72,000 और 3 साल की है 90,000। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन वन को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और कब, कौन सा, किस टाइम पे, किस महीने, कितने दिन में क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है आपकी, मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने में इस एग्जाम में मदद करूंगा। कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको हेल्प करूंगा अगर आप नवीन वन रेफरल कोड को यूज करते हैं। उसके साथ ही आइकॉनिक अगर लेते हैं तो वो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के ऑप्शन है आपको। साल भर की फीस है 69,500, 2 साल की है 1,07,000 और 3 साल की है 1,41,000। क्यों बेटर है आइकॉनिक? आपको एक कोच मिलेगा, डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान्स होंगे और आपको पर्सनल फीडबैक मिलेगा। फिर से अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन वन को यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप। उसके साथ ही अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक के ऑप्शन है। साल भर की फीस है ऑप्शनल की 27,500, 2 साल की फीस है 40,000 और 3 साल की फीस है 50,000। फिर से रेफरल कोड नवीन वन यूज करेंगे, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। स्टूडेंट जो आप अभी तक जान चुके होंगे, टोटल एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेक्शन ओरिएंटेड ही मैं काम करता हूं, बातें करता हूं। कम से कम टाइम में, मतलब अगर आपने चीजों को 3-4 साल सोची है तो मेरे साथ अगर आप आते हैं तो वही चीजें आपकी 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। हर चीज में मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। उसके साथ ही अगर आप स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं मेरी, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे हमारी एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है और इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ दिनों के लिए हमारी एथिक्स की क्लासेस चल रही है स्पेशल क्लासेस में, आप सभी लोग उसको जरूर देखें। उसके साथ ही प्लस पे मेरा कोर्स चल रहा है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का, उसको भी देख सकते हैं। जीएस पेपर 4
ये 250 मार्क्स का है स्टूडेंट, काफी हेल्प करेगा आपको आपको एथिक्स के साथ साथ आपके एसए में, सेकंड पेपर में, गवर्नेंस में और उसके साथ इंटरव्यू में, सब जगह इसका इंपॉर्टेंस है। वापस से आते हैं अपने डेली सेशन पे, जिसमें हम डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे, डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज होंगे और टॉपिक ऑफ द डे होगा। किसी या किसी तरह का कोई डाउट, क्या कोई डाउट है किसी का? शुरू करते हैं फिर अपने सेशन को। ओके, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, दीपावली मुबारक हो। ओके, ऑल क्लियर। बहुत शानदार न्यूज़ है आज, बहुत ही शानदार, मजा आएगा आज पढ़ने में। ये देखिए, सबसे पहले आज की हमारी जो पहली खबर है, इस खबर के बारे में बता देता हूं सबसे पहले कि किस पेपर में जाने वाली है। ये जनरल स्टडीज पेपर टू में, जनरल स्टडीज पेपर थ्री में। ओके, ये दोनों पेपर में जाएगी हमारी खबर है। देखो सरकार, जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर हमारे देश की बात सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की जो स्थिति है वो काफी कमजोर हो गई। नेगेटिव ग्रोथ रेट्स चल रही है दुनिया के बहुत सारे देशों की, जिसमें भारत भी है। तो ऐसे में सरकार लगातार, ऑलरेडी हमने पहले पिछले साल अक्टूबर से ही स्थिति खराब होनी शुरू हो गई थी, कोविड से पहले ही। तब हमने कुछ पैकेज दिए थे अर्थव्यवस्था को, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने स्टिमुलस पैकेज जारी करना शुरू किया। अभी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0, मतलब इसके तीसरे वर्जन को लॉन्च किया है, जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज लेके आई है, ताकि अर्थव्यवस्था वापस से अपनी गति को पकड़ सके, पुनः पटरी पे आ सके। तो ये स्टिमुलस पैकेज क्या है, किस 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 क्षेत्र के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, वो सब देखेंगे हम। ये लीजिए, तो सरकार ने जारी किया 1.1 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज, स्टिमुलस पैकेज क्या है देखते हैं। ये केंद्र सरकार ने कोविड-19 में अर्थव्यवस्था को पुनर्बहाल करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत एक प्रोत्साहन पैकेज जारी किया। यहाँ पे सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकार ने यह कदम तब उठाया जब आरबीआई ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि भारत टेक्निकल रिसेशन, ये देखो बहुत अच्छा टर्म है, आरबीआई ने अभी बोला था अपनी एक स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे, उन्होंने एक चैप्टर जारी किया था जिसमें उसमें बोला आरबीआई ने कि भारतीय अर्थव्यवस्था टेक्निकल रिसेशन की स्थिति में एंट्री कर चुकी है। उसके बाद सरकार को लगा कि स्थिति और भी ज्यादा खराब ना हो जाए, तो क्यों ना दीपावली का भी अवसर है, एक एक पैकेज लेके आया जाए जिसमें अर्थव्यवस्था को पूरे बहाल करने की कोशिश की जाए। इस टेक्निकल रिसेशन को भी पढ़ेंगे आज, क्योंकि सेकंड वाली जो हमारी न्यूज है मैंने टेक्निकल रिसेशन के ऊपर ही बनाई है। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ये स्टिमुलस पैकेज आया है, इसकी विशेषताएं क्या है, सरकार ने किस किस क्षेत्र को टारगेट किया है। सबसे पहले जॉब क्रिएशन, आप जान सकते हैं नौकरियों को सबसे बड़ा झटका लगा है, तो सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की है, पहली बात। और इस योजना के तहत सरकार का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे और भविष्य निधि का, प्रोविडेंट फंड का लाभ उठाएंगे। दूसरा, संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। तीसरा, ऐसे लोग जिनकी 15,000 रुपये से पहले कम कमाते थे, मतलब जिनकी सैलरी ही मैक्सिमम 15,000 रुपये था और जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच अपना रोजगार खो दिया, यानी कि हमने 23 मार्च को लॉकडाउन लगाया था, सरकार ने मार्च से लेके सितंबर तक की अवधि को कंसीडर किया है कि ऐसे लोग जिन्होंने इस दौरान अपने रोजगार को खोया है वो भी इस योजना में उन्हें भी शामिल किया जाएगा यदि उन्हें दोबारा से रोजगार मिल जाता है। किसानों के लिए क्या कहा, किसान भाइयों के लिए, ये देखो देखो, क्योंकि बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है लगातार, हमने देखा कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर इंडिया का जो कृषि क्षेत्र है बहुत अच्छा उसने रेस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छी ग्रोथ रही। तो उसकी वृद्धि को देखते हुए सरकार ने बोला कि मैं 65,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी दूंगी किसान भाइयों को। चलो ये बात हुई। फिर बोला कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना है जो, उसके लिए अतिरिक्त रूप से 10,000 करोड़ रुपए, जिसमें
इसका इस्तेमाल सरकार कह रही है तो मनरेगा में किया जा सकता है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कुछ सारी चीजें। देखो हमें अर्थव्यवस्था में मांग को जनरेट करना है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम्पल देता हूं भाई, कार वाले ऑटोमोबाइल वाले कार बना रहे हैं, ठीक है, टू व्हीलर वाले मोटरसाइकिल बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो कंपनी है भाई, सीमेंट की फैक्ट्री है, चलो वो भी काम कर, स्टील की फैक्ट्री है, सारे के सारा जो पूरी ये हमारी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है किस पे डिपेंड है, मांग। भाई मुझको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की, मेरे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, मेरे पास मांग नहीं है, तो उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। लो हर इंसान सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने की कोशिश करेगा। तो सरकार चाहती क्या है कि लोगों के पास पैसा जाए, पैसा जाएगा तो मांग बढ़ेगी। भाई आज मेरी जेब के अंदर कुछ पैसा होगा तभी तो मैं कुछ सोचूंगा ना कि कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, कुछ पहना है, कपड़े लेने हैं, इस तरह की चीजें। सर्दी आ रही है, सर्दियों की शॉपिंग करनी है, पैसा ही नहीं भाई। तो सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा जाए, पैसा जाएगा तो मुफ्त में तो बांटेगी नहीं सरकार भाई, ऐसा कोई फ्री में पैसा थोड़ी ना बांटना है। तो सरकार चाहेगी रोजगार सृजित हो, ऐसे क्षेत्रों में पैसा खर्च किया जाए जहां लोगों को रोजगार मिले। तो जैसे मनरेगा को आप जानते हो, रोजगार का बहुत बड़ा है जो आपका लोगों को ऐसे में COVID-19 पेंडेमिक में मनरेगा जैसी योजनाओं को थैंक है जिससे लोगों के पास पैसा जा रहा है। तो सरकार ने बोला कि ऑलरेडी मनरेगा के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना के लिए पहले से ही फंड था। सरकार ने बोला कि वो 10,000 करोड़ रुपए और डालेगी ताकि इस पैसे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए, ठीक है, उसके साथ साथ इस पैसे का हम कहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मनरेगा में, ताकि लोगों को रोजगार मिले, पैसा आए, अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पे आए, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में। डन। फिर घर को खरीदने वालों को इनकम टैक्स में राहत। भाई कोई घर खरीदना चाहता था, उसके लिए सरकार ने क्या कहा कि घर खरीदारों को राहत दे रहे हैं। अगर कोई 2 करोड़ रुपए तक की अगर कोई जो हाउसिंग यूनिट के लिए खरीदता है तो सरकार बोल रही है कि मैं उसको इनकम टैक्स में छूट दूंगी। भाई जो लोग बाग इनकम टैक्स भरते हैं उनको छूट दी जाएगी अगर कोई 2 करोड़ रुपए तक का मकान खरीदता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखो, अवसंरचना में सरकार ने क्या कहा कि जो शहरी क्षेत्रों में जो आवास के निर्माण के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल भी है ये और अर्बन भी है, तो सरकार कह रही है जो ये अर्बन वाली है इसके लिए अलग से 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। क्यों? देखो कुछ सेक्टर्स के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर ये देख लो, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है सुनो, इसको समझो ताकि अर्थव्यवस्था की कुछ बेसिक बेसिक समझ आपको पैदा हो। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या कहता है कि कुछ सेक्टर अर्थव्यवस्था के ऐसे होते हैं अगर उसमें आप पैसे डालते हो तो उनका इफेक्ट बहुत सारे और सेक्टर पे पड़ेगा। जैसे सरकार ने बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हमने 18,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए। देखो जब घर बनेगा तो ईंटों की जरूरत होगी क्या? ईंट की जरूरत होगी। घर बनेगा सीमेंट की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल होगी। घर बनेगा स्टील की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल होगी। घर बनेगा पेंट इंडस्ट्री की जरूरत है? बिल्कुल है। घर बनेगा सैनिटरी आइटम्स की जरूरत है? बिल्कुल भाई, घर के अंदर कमोड लगाओगे, वॉश मशीन लगाओगे, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो यानी कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं अगर सरकार उनमें पैसा डालती है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सेक्टर पे भी पड़ेगा। तो सरकार ये ही कह रही है, और उसके साथ साथ रोजगार तो पैदा होगा ही, रोजगार पैदा होगा सभी सेक्टर्स के अंदर, रोजगार पैदा होगा। सिर्फ मजदूर जो घर बना रहे उनके रोजगार नहीं मिलेगा, ईंट के भट्टों पे जो काम कर रहे, सीमेंट की इंडस्ट्री में जो काम कर रहे, स्टील इंडस्ट्री में जो काम कर रहे, पेंट इंडस्ट्री, सैनिटरी इंडस्ट्री, जो भी इन इंडस्ट्रीज में काम करेंगे सबके लिए रोजगार पैदा होगा। तो सरकार कह रही है कि अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मैंने ये प्रधानमंत्री आवास योजना में ये 18,000 करोड़ रुपए डाले हैं तो इससे 78 लाख नए रोजगार पैदा होंगे, 25 लाख मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन होगा क्योंकि स्टील की जरूरत होगी, उसके साथ 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का भी उत्पादन होगा। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है।
समझ आया आपको? मल्टीप्लायर इफेक्ट, अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं उनका प्रभाव दूसरे सेक्टर पे भी जाके पड़ेगा। फिर देखो, जो हमारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज थे उनके लिए एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ECLGS। देखो सरकार ने पहले बोला था कि 3 लाख करोड़ रुपए देगी वो एमएसएमई के लिए, ताकि छोटे जो उद्योग है वो उभर सके। तो सरकार ने एमएसएमई को आसान शर्तों पे कर्ज उपलब्ध कराने के लिए ECLG की समय सीमा को बढ़ा के, ये इसको बढ़ा दिया भाई, पहले इसकी डेट थी अक्टूबर, अब इसको बढ़ा के कर दिया सरकार ने कि अब ये 31 मार्च 2021 तक इसके तहत क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये, छोटी जो छोटे छोटे उद्योग है उनको उभारने के लिए डन। और उसके साथ ही सरकार ने बोला अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को सरकार ने स्ट्रेस्ड मतलब तनाव युक्त क्षेत्र घोषित किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य जो सेवा का जो क्षेत्र है वो भी शामिल किया गया। और सरकार ने बोला है कि इन क्षेत्रों को जो स्ट्रेस सेक्टर है इनको भी वो क्रेडिट देगी मतलब ऋण देगी। कुल मिला के सरकार का प्रयास है कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आ जाए। इसी तरह के पैकेज लगातार आते रहेंगे, मतलब सिर्फ हमें एक नजर रखनी है कि सरकार की एक्टिविटी किस तरह की है। ऐसे में कुछ टर्म आ जाए, जैसे अभी आया टेक्निकल रिसेशन, तो ये टर्म हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं कि इस टेक्निकल रिसेशन की घोषणा के बाद सरकार अपना आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसको 3.0 को उसने लॉन्च किया। अब ये देखो, व्हाट इज टेक्निकल रिसेशन, अगली खबर ये है हमारी कि टेक्निकल रिसेशन क्या होता है। ओके, तो ये जाएगी हमारी जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी में खबर। देखो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये रिसेशन क्या होता है। देखो इकोनॉमी के कुछ टर्म को मैं सिर्फ आपको बोलूंगा, वो इंग्लिश में ही तैयार करने हैं हमें। जैसे रिसेशन क्या है, तो इसको ये मत सोचो कि हिंदी में क्या होगा, ये समझो कि रिसेशन क्या है। मैं सिर्फ रिसेशन समझ रहा हूं, इसकी हिंदी शब्दावली को नहीं समझ रहा, हम रिसेशन समझेंगे यार। ओके, सॉरी। तो रिसेशन के बारे में देखते हैं, पहले आपको 2-3 डायग्राम दिखा देता हूं। देखो COVID-19 पेंडेमिक में हुआ क्या है, ये कुछ देशों के आंकड़े दिखाए गए, यहां भारत है, यूएस है, यूके है, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। ओके, ये आरबीआई के अनुमान है, तिमाही क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही, 3 महीने। तो यहां अक्टूबर से लेके दिसंबर 2019, फिर जनवरी से लेके मार्च 2020, फिर अप्रैल से लेके जून 2020 और फिर जुलाई से लेके सितंबर 2020, मतलब 3-3 महीने के 4 स्लॉट दिए गए, ताकि पिछले 1 साल के अंदर ये देखा जा सके कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो किस तरह की है। देखो पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भारत की ग्रोथ रेट थी 4.1, फिर वो देखो जनवरी से लेके मार्च के बीच हुई, होली तक हो गई 3.1, फिर देखो लॉकडाउन लग गया तो हम आ गए -23.9% की ग्रोथ रेट थी। और जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है, ये एस्टिमेशन है कि जुलाई से लेके सितंबर 2020, क्योंकि आंकड़े आएंगे फिर उनको कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये -8.6% की ग्रोथ रेट, यानी कि लगातार भारत की 2 तिमाहियां ऐसी गई है जहां पे हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है। तुलना करते हैं दुनिया के दूसरे देशों में क्या हुआ। दूसरे देशों में देखो यूएस 2.3 था उसी टाइम पे जब भारत 4.1 था, फिर हुआ 0.3, फिर -9, -2.9, यानी के अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो डिक्लाइन हुई, लेकिन -9 तक गई, लेकिन भारत गया -23.9। यूके भी गया उसी में जब भारत -21 गया। ओके, तो ये इस तरह से कुछ कंट्रीज के हमारे डेटा दिखाए गए। चाइना को देखो, वो अप्रैल से जून के बीच में 3.2 पॉजिटिव है और जुलाई से लेके सितंबर। चीन ने COVID-19 पेंडेमिक में भी अपनी इकोनॉमी को गिरने नहीं दिया, बहुत बड़ी बात है। हालांकि
जनवरी से मार्च के बीच वहां जरूर नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, क्योंकि वहां तो पिछले साल अक्टूबर नवंबर के अंदर ही कोरोना आ गया था। तो सरकार ने अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे, उसके बाद चाइना ने अपने आप को संभाल लिया। एक आंकड़ा तो ये दिखाया मैंने ताकि आपको पिक्चर समझ में रहे पिछले एक साल में भारत में क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर। चलो चलो, चाइना को आप डेटा इश्यू रहता है, चाइना की मत सोचो, इंडिया की बात करते हैं। अभी इंडिया का ही फोकस देखो, ये देखो यहां 1951 से लेके ये 2020, पिछले 70 सालों में भारत की जो वार्षिक जीडीपी ग्रोथ 1951 से लेके ये देखो और 2000 के बीच में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बताई है। स्टूडेंट्स देखो, ये जीरो है, ग्रोथ रेट अगर जीरो है, ये जीरो से ऊपर सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव ग्रोथ रेट है और ये इसके नीचे है नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो इसने दिखाया कि सिर्फ इतिहास में ऐसे दो तीन, 1951 से लेके 2020 के बीच में, एक तो 1965-66 का टाइम ऐसा आया जब चाइना का युद्ध था, और एक और टाइम आया 1980 के टाइम, सिर्फ दो बार इंडिया की ग्रोथ रेट नेगेटिव गई थी। लेकिन आजादी से लेके 2020 तक, 19 तक भारत की ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं गई थी। 2020 में देख सकते हो आप कितना एकदम से माइनस के 23.9% ये नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है भारत की, काफी चिंतनीय स्थिति है। अभी सिर्फ ग्राफ देखने हैं, अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा, सिर्फ देखो जितना मैं दिखा रहा हूं उतना ही देखना है। ओके, हाँ 1954 का भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना समझ में आया? इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट बताओ फिर आगे चलेंगे। ओके डन। ये देखो अब यहां हमें दो तीन टर्म समझने हैं, इकोनॉमिक साइकिल कह लो या बिजनेस साइकिल, इसको इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल कुछ भी बोल सकते हैं यार, ये समझने की कोशिश करो। देखो अर्थव्यवस्था में हमने एक तरफ तो हमने इधर ग्रोथ रेट को देखा हुआ है, दूसरी तरफ हमने देखा है टाइम को। देखो अर्थव्यवस्था में ऐसे दौर आते हैं भाई, ऐसा कोई भी चीज एक जैसी तो रहती नहीं है, कभी आपकी अर्थव्यवस्था में उभार आएगा, कभी मंदी की ओर जाएगी, कभी नेगेटिव हो जाएगी, फिर अपनी स्थिति सुधारेगी, इस तरह से चलता रहता है। ओके, एक साइन वेव है ये आपकी ऐसे। तो यहां जब वो सर अपनी ग्रोथ रेट के हाईएस्ट पॉइंट पे होती है उसको बोलते हैं पीक। ये ग्रोथ दिखा रखा है, देखो ये सब ग्रोथ है, ये पीक है जब वो अपने उच्चतम स्तर पे होती है, फिर इस उच्चतम स्तर से गिरना शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रिसेशन, फिर गिरती 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 एक सबसे जो इसका डीपेस्ट पॉइंट आता है उसको बोलते हैं ट्रफ, वो निम्नतम स्तर पे आ जाती है। जैसे अभी आई माइनस के 23.9%, ये ट्रफ था अभी, तो इससे ज्यादा तो गिरी नहीं, इसके बाद तो सुधरना शुरू हो गई भारत की, यानी कि इस ट्रफ से फिर हम रिकवरी की ओर गए, फिर ये स्थिति सुधर जाएगी, सामान्य से ऊपर जाएगी, फिर पीक पे पहुंच जाएगी, फिर रिसेशन चलेगा, फिर ट्रफ पे आएगी, फिर रिकवरी, ये एक ऐसा ट्रेंड चलता रहता है, बिजनेस साइकिल बोलते हैं इसको। समझ में आया आपको ये? फटाफट बताओ, ये बिजनेस साइकिल है, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल, व्यावसायिक चक्र या आर्थिक चक्र। एक और डायग्राम दिखा देता हूं, लो फिर से देखो दूसरे तरीके से, बिजनेस साइकिल है ये हमारा, ये सामान्य है हमारी, सामान्य जो डैश 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 वाली है ये सामान्य ग्रोथ रेट है, इससे ऊपर गए ये पीक आया, सबसे जो निम्नतम स्तर पे जाएगी वो है ट्रफ, फिर पीक है, फिर ट्रफ है, फिर पीक है। ओके, एक तो ये चल रहा है। यहां पे जो दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये नोट करना, देखो जब इस पीक से जब ये ट्रफ तक आती है, इसको देखो पूरे को बोला गया रिसेशन, रिसेशन का फेज है ये आपका, रिसेशन का मतलब मंदी की स्थिति है। जब इस खराब स्थिति से, ट्रफ से जब ये ऊपर की ओर सुधरती है, इसको बोला हमने एक्सपेंशन, ये विस्तार हो रहा है, यहां विस्तार हुआ और यहां संकुचन हुआ, टॉप फिर नीचे गई, फिर टॉप फिर नीचे गई, ये विस्तार और संकुचन, एक्सपेंशन
मतलब रिसेशन और एक्सपेंशन, ये दौर चलते हैं आपके बिजनेस साइकिल में। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ आपको? डन। ग्रेट डिप्रेशन की भी सब बात करेंगे मनप्रीत, ग्रेट डिप्रेशन, रिसेशन, सारे सारे मुद्दे डिस्कस करेंगे आज इस वाली क्लास में। ओके, बस बने रहो, 20-25 मिनट चलेगा आज ये पूरा टॉपिक। ओके, ये देखो, अब आया टेक्निकल रिसेशन। क्योंकि आरबीआई ने स्टेट ऑफ इकोनॉमी नाम का एक चैप्टर जारी किया था, ये टेक्निकल रिसेशन आया, इसके बाद ही सरकार आत्मनिर्भर भारत 3.0 लेके आई। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, टेक्निकल रिसेशन क्या है, सारी शब्दावलियां समझेंगे बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से। ये देखो, तो पिछले महीने आरबीआई ने अपनी जो मंथली बुलेटिन, भाई आरबीआई भी हर महीने की खबरें प्रकाशित करता है, बुलेटिन जारी करता है, उसमें उसने लास्ट मंथ जो उसने बुलेटिन जारी की उसके अंदर एक चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, उस पर एक अध्याय जारी किया, जिसके तहत आरबीआई ने बोला कि अभी वर्तमान में क्या सिचुएशन है और निकट भविष्य यानी कि आने वाले दिनों में की आर्थिक स्थितियों पर उसने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं आरबीआई ने, जो अपना बुलेटिन जारी किया स्टेट ऑफ इकोनॉमी, उसमें एक चैप्टर था स्टेट ऑफ इकोनॉमी। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए आरबीआई ने क्या कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके, मतलब 1 अप्रैल से लेके हम 31 मार्च, ये 1 अप्रैल 2020 है, 31 मार्च 2021, तो ये कह रहे हैं ये वर्तमान जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसकी जो दूसरी तिमाही थी, ओके, उसमें मतलब कौन सा महीना था, जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 8.6% संकुचित हुई। हमने देखा माइनस के 8.6% थी भाई, पहले तो 23 थी, फर्स्ट वाली तिमाही में तो 23% गई थी माइनस में, अप्रैल मई जून में, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर में वो माइनस के 8.6, इतनी वो संकुचित हो गई, उसने इसने बताया। ओके, तो वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में संकुचन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इतिहास में पहली बार टेक्निकल रिसेशन की स्थिति में पहुंचा। देखो, आरबीआई ने अपने बुलेटिन में बोला कि जो लगातार 2 क्वार्टर ऐसे गए कि हम नेगेटिव ग्रोथ रेट में गए, तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम टेक्निकल रिसेशन की सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तो ये टेक्निकल रिसेशन क्या है, इसको समझने से पहले हम दो शब्द समझेंगे, रिसेशन को और दूसरा रिसेशनरी फेज को। देखो, एक शब्द समझना है हमें रिसेशन, दूसरा समझना है रिसेशनरी फेज। जब तक इन दोनों शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक टेक्निकल रिसेशन समझ में नहीं आएगा हमें। ओके, ये देखो, पहले समझते हैं रिसेशनरी फेज। ये देखो, आपको मैंने अभी एक डायग्राम बना के दिखाया था, ये डायग्राम कुछ इस तरह का था, फिर से बना देता हूं, ये कुछ इस तरह का डायग्राम था। यहां हमने बताई थी ये ग्रोथ रेट जारी है, इसके बाद ये पीक था, फिर ये ट्रफ था, फिर ये पीक था, फिर ये ऐसे ऐसी चल रही थी, ये ऐसे चल रही थी, ये इसको हमने बोला था पीक, इसको हमने बोला था ट्रफ। ओके, और जो ये जब ये नीचे की ओर जा रही है, गिर रही है, इसको हमने बोला था रिसेशन, और जब ये ऊपर की ओर जा रही थी हमने इसको बोला था एक्सपेंशन। तो अब समझने की कोशिश करो, सामान्य शब्दों में अर्थव्यवस्था में रिसेशनरी फेज एक्सपेंशनरी फेज के विपरीत है। बिल्कुल, ये नीचे जो आया इसको हमने बोला रिसेशन, अब जो नीचे नीचे से जब ये ऊपर गया इसको हमने बोला एक्सपेंशन, तो विपरीत ही हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है एक्सपेंशन, नीचे की ओर आ रहा है रिसेशन। तो जो हमारा रिसेशनरी जो फेज है वो किसका अपोजिट है, एक्सपेंशनरी फेज का। ये पूरा चरण है हमारा,
यदि अर्थव्यवस्था में, फिर देखो, यदि अर्थव्यवस्था में एक तिमाही या महीने से दूसरी तिमाही या महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, जिसको हम नॉर्मली जीडीपी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, उत्पादन अगर बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फेज। यानी कि अगर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अभी 3 महीनों में कुछ और था, नेक्स्ट वाले 3 महीनों में वो बढ़ जाता है, तब उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशनरी फेज। वहीं दूसरी ओर यदि अर्थव्यवस्था में एक तिमाही से दूसरी तिमाही में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन घटता है, उसको हम बोलेंगे रिसेशनरी फेज। क्लियर हुआ भाई? अगर आप 3-3 महीने के आपने 2 क्वार्टर ले लिए, एक क्वार्टर है आपका अप्रैल से लेके जून का, दूसरा है जून से लेके सितंबर का, जुलाई से लेके सितंबर का। अगर पहले वाले आपके क्वार्टर में कम है और वो दूसरे वाले क्वार्टर में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ जाता है, तब हम उसको बोलेंगे एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन का फेज है। अगर वो पहले वाले से दूसरे वाले की ओर घट जाता है, तब हम बोलेंगे वो रिसेशन का फेज था। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, फटाफट बताओ। रिसेशनरी फेज और एक्सपेंशनरी फेज। डन डन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, जो हमारा ये एक्सपेंशनरी फेज है और जो रिसेशनरी फेज है, दोनों मिलकर ही तो बिजनेस साइकिल बना रहे थे भाई। यही मैंने बताया था, बिजनेस साइकिल क्या है, ये रिसेशन हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ, ये रिसेशन, ये एक्सपेंशन। इस पूरे साइकिल को हमने क्या बोला था, बिजनेस साइकिल। तो यही बात बता रहा है कि एक्सपेंशनरी फेज और रिसेशनरी फेज, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं आपका बिजनेस साइकिल। और 1951 से 2020 के बीच तक की जो भारत की जो क्वार्टरनरी हम जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं, वो निरंतर पीक ट्रफ, जो पहला डायग्राम दिखाया था मैंने 1951 से लेके 2020 तक, था ना, ऐसे ही चल रहा था ना इंडिया का, ऐसे ऐसे थोड़ा बीच में, ऐसे ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऐसे, ये चल रहा था हमारा। तो लगातार ही इंडिया का जो पीक भी चल रहा था, ट्रफ भी चल रहा था, यानी कि अर्थव्यवस्था में एक्सपेंशन और रिसेशन दोनों चरण चलते आ रहे थे। ओके। और ध्यान देने वाली बात है, यहां एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आर्थिक समृद्धि सकारात्मक होती है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, तब भी रिसेशनरी फेज आ सकता है। ये लाइन पढ़ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझाऊंगा एक बार फिर से पढ़ो, कि जब आर्थिक समृद्धि हमारी पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था में रिसेशनरी फेज आ सकता है। कैसे भाई? ये देखो, ये हमारा पीक था भाई। रिसेशनरी फेज तो क्या कह रहा है, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में आपका जो क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन घट जाता है। तो ये है आपकी जीरो, इससे ऊपर है सब पॉजिटिव और इससे नीचे है सब निगेटिव। तो इस पीक से अगर वो यहां तक आ रहा है, जीरो तक आना है, तब भी तो ये घट रहा है ना स्टूडेंट, घट ही तो रहा है, घट रहा है, एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा, रिसेशन हो रहा है। तो यही कह रहा है कि जो रिसेशनरी फेज, तो पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट होती है, मतलब अगर पहले 10.5% थी, अगर वो 5.6% रह गई, तब भी तो घटा ही है, लेकिन है तो पॉजिटिव। तो रिसेशनरी फेज तब भी हो सकता है जब आपकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो। भाई 8% से घटकर आपकी 4% आ गई, लेकिन है तो पॉजिटिव ही। समझ में आई आपको? नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? अगर इतना क्लियर हुआ है तो ही इससे आगे चलेंगे। ओके। अच्छा, रीना को प्रॉब्लम हुई, एक बार फिर से बता देता हूं, रीना को मैं फिर से बता देता हूं। देखो भाई, हमने ये देखा था, ये हमारी अर्थव्यवस्था का ग्राफ है, ये आप इसको ऐसे लेके चलो, ये लो, ये आपकी 0% की ग्रोथ रेट है, इससे ऊपर सब पॉजिटिव है,
और इससे नीचे सब ये नेगेटिव है, या इसको ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो आप, ये ले लो आप, ये इस तरह से ले लो, ये जीरो है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे है नेगेटिव। तो हम कह रहे हैं हमारा बिजनेस साइकिल चलता है ऐसे, पीक चला फिर नीचे आया फिर ट्रफ हुआ फिर पीक चला फिर ट्रफ, फिर ऐसे ऐसे आता रहता है। तो ये पीक है, फिर से समझ लो, और ये ट्रफ है। तो और हमने इस वाले फेज को बोला था जब नीचे तक गिरता है, इसको हमने बोला था रिसेशन, रिसेशनरी फेज था ये हमारा। और ये वाला जो नीचे से ये ऊपर की ओर स्थिति सुधरती है, इसको हमने बोला था एक्सपेंशनरी फेज। तो हम बात कर रहे हैं रिसेशनरी फेज की। तो ये बोला जा रहा है कि रिसेशनरी फेज तब भी हो सकता है जब आपकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो। देखो अभी यहां से लेके जब पीक से यहां जीरो तक आ रहा है, ये है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव ना, लेकिन यहां पे भी तो घटा है ना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, तो ये फेज रिसेशनरी ही है। मतलब पहले अगर 10% था, घट के 4% हो गया, तो घटा तो है ना, लेकिन ग्रोथ रेट तो अभी भी पॉजिटिव है ना, लेकिन माइनस तो नहीं गई ना अभी भी, माइनस के 23.9%, यानी के पॉजिटिव ग्रोथ रेट होने के बावजूद भी रिसेशनरी फेज हो सकता है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहां ये बोला जा रहा है कि जब आर्थिक समृद्धि दर सकारात्मक होती है, रिसेशनरी फेज तो तब भी आ सकता है। एक पॉइंट, अभी हम रिसेशनरी फेज को समझ गए यहां बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ गए। फिर देखते हैं रिसेशन क्या है। फिर ये देखो, अब हमें समझना है रिसेशन क्या है। रिसेशनरी फेज तो हम समझ गए। तो रिसेशनरी फेज में जहां जीडीपी समृद्धि दर सकारात्मक भी रह सकती है, हमने देखा था पॉजिटिव थी फिर भी रिसेशनरी फेज था, जबकि रिसेशन में जीडीपी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसकी जो ग्रोथ रेट हो जाती है निगेटिव। ये लो, इसका मतलब ये है कि इस पीक से जब आ रहे हैं यहां तक, ये पूरा का पूरा ही रिसेशनरी फेज है। ये पूरा का पूरा, देखो स्टूडेंट समझने की कोशिश करो, ये गया तो ये पूरा फेज आपका रिसेशनरी फेज है, घट रहा है ना, लेकिन जब वो नेगेटिव में चलेगा, जब ये सिर्फ ये यहां से नीचे तक जाएगा, ये ही सिर्फ रिसेशन है। ये ध्यान रखना, रिसेशन को बोला जाता है नेगेटिव ग्रोथ रेट, जो भारत ने दर्ज की माइनस के 23.9% और इस जो सेकंड तिमाही में 8.6% माइनस के, इस वाले नेगेटिव ग्रोथ रेट को हम बोलते हैं रिसेशन। क्लियर हुआ ये सभी आपको? फटाफट बताओ, रीता, जतिन, दामिनी, शिव, मनप्रीत, यस, सही समझ में आ गया। रिसेशन जाएगा आपका निगेटिव, रिसेशनरी फेज पॉजिटिव में भी हो सकता है और वो नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन रिसेशन सिर्फ और सिर्फ आपका निगेटिव ग्रोथ रेट को दिखा रहा है। चलो वेरी गुड। फिर देखो, हालांकि जो यूनिवर्सली रूप से ऐसी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है दुनिया भर में रिसेशन की, जो यह बताती हो कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी को कितने समय तक वो नेगेटिव ग्रोथ रेट में चलेगी कि उसे रिसेशन घोषित करेंगे। देखो दुनिया भर के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सब रिसेशन के बारे में एक कोई यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि वो कितने टाइम तक आपकी अर्थव्यवस्था निगेटिव ग्रोथ रेट में रहेगी तब आप उसको बोलोगे कि आप रिसेशन में पहुंच गए। फिर भी दुनिया के ज्यादातर जो आपके इकोनॉमिस्ट है वो NBER, ये USA की एक बॉडी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, उसके द्वारा अमेरिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही रिसेशन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो NBER की जो डेफिनेशन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, इसने जो परिभाषा दी है वो सबसे ज्यादा स्वीकार की जाती है, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वो भी नहीं है।
आ जाओ। देखो, जिसके अनुसार क्या बताया एनबीईआर ने, रिसेशन के दौरान अर्थव्यवस्था की लगभग समस्त गतिविधियों में गिरावट आ जाती। भाई, आपका स्टील सेक्टर भी गया, आपका कोल सेक्टर भी गया, आपका सर्विस सेक्टर भी, आपका प्राइमरी सेक्टर भी, सब में ही गिरावट दर्ज होती है जो कुछ महीने से लेकर वो एक वर्ष से अधिक समय तक रह सकती है। ये डिफाइन किया इसने रिसेशन को। अर्थव्यवस्था की सभी गतिविधियों में डिक्लाइन होता है, कुछ महीनों से लेके साल भर तक वो रह सकता है। इसको बोला गया रिसेशन। किसने? एनबीईआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है अमेरिका का। तो जो एनबीईआर कहता है कि जो जीडीपी की समृद्धि है, जीडीपी का मतलब एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादित मूल्य कितना है। लेकिन एनबीईआर है वो ये कहता है कि जीडीपी समृद्धि के साथ साथ हमें कुछ और चीजों को भी देखना होगा जब हम बात करेंगे रिसेशन की, जिसमें है रोजगार, उसमें रोजगार घटा बढ़ा उसकी क्या स्थिति है, कंजप्शन के पैटर्न कैसे हैं, लोग बागों ने उपयोग करना उपभोग करना शुरू किया कम किया, इन आदि चीजों को भी मैं रिसेशन की स्टडी में कंसिडर करूंगा। देखो, एनबीईआर थोड़ा व्यापक हो गया। उसने बोला जीडीपी के साथ साथ मैं जीडीपी को प्लस मैं आपको देखूंगा अर्थव्यवस्था में रोजगार की क्या स्थिति है इसको, उसके बाद मैं देखूंगा लोगों का कंजप्शन का क्या पैटर्न हुआ। इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद ही मैं रिसेशन पे पहुंचूंगा। काफी एक व्यापक है। ये क्लियर हुआ? फटाफट बताओ। एनबीआर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, अमेरिका की एक संस्था है, आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का काफी बड़ी एक संस्था के रूप में इसका नाम है। तो एनबीआर क्या कह रहा है, देखो, एनबीआर साथ ही आर्थिक गतिविधियों में गिरावट। देखो, एनबीआर जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है रिसेशन को डिफाइन करते टाइम, ये बोल रहा है जब आर्थिक गतिविधियों में गिरावट की डेप्थ कितनी है, वो कितनी गिरी, उसका डिफ्यूजन यानी कि विस्तार, कितने अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों तक उसका विस्तार हुआ उस गिरावट का, और ड्यूरेशन वो कितने अवधि तक है, वो 15 दिन के लिए है, महीने भर के लिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल। तो वो थ्री डी इसमें उसको लगाता है। 3D का मतलब वो बोलता है मैं देखूंगा कितनी गहरी है, उसका डिफ्यूजन कितना है, कितने क्षेत्रों को प्रभावित किया, और उसकी ड्यूरेशन कितनी है। ये सारी चीजों को स्टडी करके हम बताएंगे कि रिसेशन है या नहीं। देखो, रिसेशन पे इतना इन डेप्थ एनालिसिस आप कभी नहीं करोगे। ये आज मुद्दा आ गया तो मैंने आपके सामने उठा दिया और आपको समझा भी रहा हूं। हमें देखनी होगी रिसेशन की डेप्थ क्या है, अर्थव्यवस्था में कितनी गहरी हो गई, कितने सेक्टर्स को उसने प्रभावित किया, और उसकी समय अवधि क्या है। डन, ओके। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एक बार और तसल्ली से सुन समझना बहुत। ये जो टेक्निक, देखो मैं तो हमेशा ही तलाश में रहता हूं न्यूज़पेपर में कोई ऐसा मुद्दा आए जिसको मैं उस लेवल पे जाके समझाऊं, आपको लगे कि हाँ वास्तव में आपने कुछ सीखा है। तो आज ये रिसेशन का मुद्दा आया तो मैं उसी लेवल पे जाके सीखने की समझने की कोशिश करो, कोई कुछ भी टफ नहीं है। देखो क्या कह रहा है अमेरिका का एनबीईआर, फिर से बता देता हूं। उसने बोला कि जब अर्थव्यवस्था की सभी गतिविधियों में, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की हो, द्वितीयक क्षेत्र की हो, या तृतीयक क्षेत्र, कृषि की हो, विनिर्माण की हो, इंडस्ट्री की हो, सर्विस सेक्टर की हो, अगर उनमें गिरावट दर्ज हो रही है और वो गिरावट कुछ महीने से लेके 1 साल तक बनी रहती है, तब हम बोलेंगे रिसेशन है। लेकिन एनबीआर कहता है जब मैं रिसेशन को डिक्लेयर करूंगा और डिफाइन करूंगा तो मैं सिर्फ जीडीपी को नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा रोजगार कितना घटा कितना बढ़ा, लोगों ने कंजप्शन के पैटर्न में क्या चेंज आया वो भी मैं देखूंगा, और ये भी देखूंगा कि उसकी डेप्थ क्या है, डिफ्यूजन कितना है, कितने सेक्टर्स को प्रभावित किया, और कितनी अवधि को वो बना हुआ है वहां पे।
ये सारी चीजें को एनालिसिस करके ही मैं घोषित करूंगा कि रिसेशन आया है या नहीं। अब क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? आई होप अब क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत आपको। ओके डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर आते हैं टेक्निकल रिसेशन। देखो हमने रिसेशनरी फेज देख लिया, एक्सपेंशनरी फेज देख लिया, हमने रिसेशन देख लिया। अब आते हैं हम टेक्निकल रिसेशन पे। ये लो, जो आरबीआई ने बोला कि हम टेक्निकल रिसेशन के दौर में फंस गए। इस टेक्निकल रिसेशन को समझने से पहले फिर से थोड़ा पीछे जाएंगे, 2008-09 के टाइम पे जो मंदी आई थी। देखो यह संभव है, समझो कि जब जीडीपी समृद्धि दर कुछ समय के बाद बढ़ने लगे। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, हमने बोला भारत था माइनस के 23.9%, ये था हमारा अप्रैल से लेके ये था हमारा जून के बीच में, समझना एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। फिर हमारी स्थिति इंप्रूव हुई, हम माइनस के 8.6% पे चले गए, ये बात कर रहे हैं हम जुलाई से लेके सितंबर से। अब हो सकता है जब हम अक्टूबर से हम दिसंबर के बीच में आए, अक्टूबर से दिसंबर हम 2% की ग्रोथ रेट पे आ गए, भगवान करे ऐसा हो। ऐसा हालांकि नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे कोविड-19 पेंडेमिक है तो ये इतनी हो जाएगी। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन। कि कितने भाई कितने मोटरसाइकिल्स बन रही है, कितना स्टील उत्पादित हो रहा है, ठीक है, आईटी सेक्टर्स किस तरह से वापस में अपनी सर्विस दे रहा है, या सर्विस सेक्टर कैसे काम कर रहा है। यहां ये समझने की कोशिश करो टेक्निकल रिसेशन से पहले कि यह संभव है कि जीडीपी समृद्धि दर कुछ समय के बाद बढ़ने लगे। जैसे माइनस के 23 से माइनस के 8 हुई, फिर 2% हुई, बढ़ती जा रही है स्थिति, सुधरती जा रही है। लेकिन लेकिन यह भी हो सकता है कि बेरोजगारी के स्तर में उस दर से गिरावट ना हो। भाई अगर बेरोजगारी जब यहां माइनस के 23.9 था, जब जीडीपी थी हमारी 23.9, समझने की कोशिश करना, तब हमारी बेरोजगारी का जो स्तर था, ये फॉर एग्जाम्पल है माइनस के 30%, जीडीपी अगली तिमाही में इंप्रूव होके हो गई माइनस के 8.6%, बेरोजगारी पता चला है अभी भी क्या है 30%, जीडीपी हमारी इंप्रूव होके हो गई 2%, बेरोजगारी अभी भी 29-30% है, तो ये बोल रहा है टेक्निकल रिसेशन। जैसा कि एनबीईआर भी बोलता है कि जरूरी नहीं, अगर आपकी जीडीपी इंप्रूव हो रही है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी गिर रहा है। हो सकता है जीडीपी तो इंप्रूव होती होती ठीक हो जाए, ऐसी होती होती ठीक हो जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था में लोगों के सामने रोजगार ही पैदा ना हो। समझे समझे क्या? और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है कब, जब 2008 की वैश्विक जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, एनबीआर ने बोला था कि जून 2009 में दुनिया में से उस इकोनॉमिक रिसेस वो इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो गया। लेकिन जो रिसेशन की एंड एंड डेट बता दी थी एनबीआर ने कि जून 2009 में वैश्विक स्तर पे हमारा रिसेशन एंड हो गया, लेकिन जून 2009 के बाद भी जो रोजगार की स्थिति अप्रैल 2014 तक आके इंप्रूव हुई, ये लो, यानी कि पूरे 5 वर्ष लग गए रोजगार को स्थिति को वापस अपनी पटड़ी पे आने पे, जबकि वैश्विक रूप से तो घोषणा कर दी गई थी कि रिसेशन खत्म हो गया है। तो यही बात है टेक्निकल रिसेशन। हो सकता है आपकी अर्थव्यवस्था लगातार सुधरती चली जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रों में बेरोजगारी है, जो कंजप्शन का जो पैटर्न है, उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी, तो वो टेक्निकल रिसेशन हो गया आपका। क्लियर हुआ आपको? आर्थिक जीडीपी इंप्रूव होती चली जाएगी, लेकिन रोजगार की स्थिति अभी खराब है, कंजप्शन का पैटर्न अभी खराब है। तो जब यही सारी चीजों को जैसे ही टेक्निकल रिसेशन आरबीआई ने घोषित किया, सरकार को समझ में आ गया भाई, क्योंकि सरकार में वित्त मंत्रालय भी तो है ना भाई,
वहां भी तो जानकार बैठे, उनको पता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, कंजप्शन एक प्रॉब्लम है, एक काम करो एक और पैकेज लेके आओ जो कि टेक्निकल रिसेशन की स्थिति से सुधरने में देशों को 5 साल 7 साल 10 साल पता नहीं कितने साल लग जाए। ओके, वो कैसे ठीक होगी? सरकार को पैसा डालना पड़ेगा भाई इकोनॉमी में, नए रोजगार पैदा करने पड़ेंगे, तभी तो मनरेगा में पैसा डाल दिया, तभी तो अवसंरचना के क्षेत्र में पैसा डाल दिया सरकार ने। सरकार ने 26 क्षेत्रों को स्ट्रेस्ड क्षेत्र घोषित कर दिया। मैंने बोला ना 26 क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था में बोला कि ये तनाव में आ गए हैं, इनको भी निकालेंगे हम। एमएसएमईज के लिए जो आपकी स्कीम थी उसकी डेट फिर बढ़ा दी गई ताकि पैसा जाए इनके पास, रोजगार पैदा करे, ये डिमांड पैदा हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आनी शुरू हो गई होगी ये सारी चीजें। फटाफट बताओ एस्पायरेंट हीना, सनाया, मनप्रीत, डन, बढ़िया आ गया ना, कोई दिक्कत? ओके, देखो ऐसे टॉपिक को ही पढ़ने समझने में ज्यादा मजा आता है, जहां टेक्निकल एंगल आपके टेक्निकल ग्लिचेस होंगे मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो अब मैं उम्मीद करूंगा आप बिजनेस साइकिल को समझ चुके होंगे, पीक पे है, फिर गया ट्रफ पे, फिर पीक पे आया, फिर ट्रफ पे, ठीक है? तो जब वो पीक पीक की ओर जाता है तब वो एक्सपेंशन, जब पीक से नीचे की ओर आता है तब वो आपका रिसेशन का फेज होता है। डन, ओके, रिसेशन खत्म हो जाए मगर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बनी रहे, इसी को मतलब इस तरह से बोला गया, हो सकता है आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट इंप्रूव हो जाए लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था के अंदर कंजप्शन, उसका लेवल बहुत नीचा रहे। और इस स्थिति से निकलने का एकमात्र इलाज है अर्थव्यवस्था में पैसा डाला जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, लोगों की जेब में पैसा पहुंचाया जाए, इकोनॉमी को दौड़ाया जाए। अब डिप्रेशन पूछा था मुझसे किसी बच्चे ने, मैं डिप्रेशन भी बता देता हूं साथ के साथ। डिप्रेशन क्या होता है? देखो सामान्यता जनरली क्या होता है, कुछ तिमाहियों तक विद्यमान रहता है। क्या सामान्यता रिसेशन ये माना जाता है कि रिसेशन क्या है, एक क्वार्टर दो क्वार्टर तक रहता है, लेकिन यदि रिसेशन लगातार कुछ सालों तक बना रहे तब उसे डिप्रेशन बोलते हैं। ये लो, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट लगातार अगर सालों तक बनी रहे उसको बोला जाता है डिप्रेशन। ये है हमारा डिप्रेशन, क्लियर? लगातार अगर रिसेशन सालों तक बना रहे उसको बोला जाता है डिप्रेशन, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट आपकी सालों तक बनी रहे तब वो कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में। और ऐसा हुआ था यूएसए में 1930 की जो महान आर्थिक मंदी थी उसको हमने डिप्रेशन बोला था। ये एक रेयर घटना है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो अगर आप ऐसे किसी टीचर से पढ़े जो आपको समझा पाएगा कि वो उस टाइम पे ऐसी क्या सिचुएशन थी डिप्रेशन की, और अगर कभी वो स्थिति आ गई करंट अफेयर में, मैं ही समझा दूंगा आपको कि 1929-30 की जो महान आर्थिक मंदी आई थी उसके पीछे के कारण क्या थे। अगर किसी दिन करंट अफेयर में वो मेरी रेंज में आ गया तो मैं ही क्लियर कर दूंगा। ओके, डन। जो जो टॉपिक एक बार मेरी रेंज में आ गया समझो उसका हम बिल्कुल तसल्ली से ऊपर से लेके नीचे तक उसको स्कैन करेंगे।
आगे चलते हैं अब। ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज है, ये आपकी जनरल स्टडीज पेपर थर्ड में जाएगी, जनरल स्टडीज पेपर थर्ड साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में जाएगी ये खबर। खबर क्या है, हमारी जो आईएनएस वगीर है, ये आईएनएस वगीर ये हमारी एक पनडुब्बी है, सबमरीन है ये हमारी एक पनडुब्बी, आईएनएस वगीर, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है, क्यों चर्चा में आई, इसका भी पूरा इतिहास खंगालेंगे अभी हम। ये लो आईएनएस वगीर क्या है इसको समझते हैं। भारतीय नौसेना की ये एक कलवेरी श्रेणी की पांचवी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है आईएनएस वगीर। इसको मुंबई के मझगांव डॉक पर लॉन्च किया गया, मतलब श्रेणी क्या है, कलवारी श्रेणी की है, कलवारी सीरीज। इसके अंदर हम 6 पनडुब्बियां बना रहे हैं, 6 सबमरीन बना रहे हैं हम, 6 सबमरीन बन रही है हमारी कलवारी सीरीज की। उसमें से हमने पांचवी जो हमारी है आईएनएस वगीर को हमने उसको लॉन्च किया है अभी, और इसका जो निर्माण किया गया मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा, मझगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई में है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो क्योंकि मैंने बोला टोटल 6 जो हमारी ये सबमरीन है जो कलवारी सीरीज की है, उसके अंदर कौन कौन सी है, देखो आईएनएस कलवारी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस जो 4 हो गई ये, आईएनएस वगशीर हो गई और आईएनएस वगीर हो गई। ये लो कुल मिला के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, 4 ऑलरेडी बन चुकी है, पांचवी है हमारी ये अभी जो आईएनएस वगीर है इसको लॉन्च किया, और जो 6ठे नंबर वाली वगशीर है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये वाली 6 नंबर की है, ये 6 नंबर की है और ये 5th नंबर की है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो कुल मिला के अब 6 पनडुब्बियां बनाना चाहते हैं, और ये सारी की सारी पनडुब्बियां है स्कॉर्पियन क्लास की, स्कॉर्पियन सीरीज की पनडुब्बियां है ये, ठीक है। और याद रखना है डीजल इलेक्ट्रिक है, परमाणु पनडुब्बी नहीं है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, समझेंगे बस अभी इतना समझो, कलवेरी क्लास की है जो स्कॉर्पियन श्रेणी की है, कुल मिला के 6 बनाई जा रही है, 5 बन चुकी है, 6ठी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखो वर्तमान स्थिति क्या है अभी सारी इन पनडुब्बियों की, जो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां है, जो 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही है उनका स्टेटस क्या है। देखो उपरोक्त 6 पनडुब्बियों में से कलवारी और खांडेरी को तो हमने 2017 और 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया, ये तो सारे इसके परीक्षण वरीक्षण हो गए, ये काम करना शुरू हो गई, कलवरी 2017 में और खांडेरी 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। जो वेला और करंज है, वेला और करंज ये बन तो चुकी है लेकिन इनका परीक्षण चल रहा है, और वगीर को अभी हमने कल ही लॉन्च किया है, इसके भी ट्रायल चलेंगे, और वागशीर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 6 की 6 पनडुब्बियों का मैंने आपको पूरा स्टेटस बता दिया, 2 शामिल हो चुकी है, 2 के ट्रायल चल रहे, तीसरे के ट्रायल अब शुरू होंगे वगीर के, और वागशीर अभी बन रही है। क्लियर हुआ ये डन। अब इनके नाम कैसे पड़े, तो कुछ के नाम देखो, कलवारी का जो एक टाइगर शार्क नाम की एक मछली है उसके नाम पे पड़ा कलवारी, वगीर एक सैंड फिश है जिसको शिकारी समुद्री प्रजाति उसके नाम पे है, जो खांडेरी है उसका नाम एक द्वीपीय किला है, मतलब एक आइलैंड फोर्ट था जिसका निर्माण छत्रपति शिवाजी ने किया उसके नाम पे रखा गया, करंज क्या है मुंबई के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है छोटा सा उसके नाम पे करंज नाम पड़ा। तो इनका नामकरण भी मैंने बता दिया डन। अब इनकी विशेषताएं क्या है ये देखो, विशेषताएं देखो, कलवारी क्लास की जो पनडुब्बी का डिजाइन है वो फ्रांस द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया, और फ्रांस द्वारा ही ये डेवलप की जाने वाली एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी उन पे बेस्ड है, मतलब हमारी जो कलवेरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां बनाई जा रही है
वो फ्रांस की ही स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां थी, उस पे ही इनका डिजाइन, और जिस तरह से वो डिजाइन और डेवलप की गई उसी तरह से इनको भी किया जा रहा है। और जो ये पनडुब्बियां है ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन मतलब डीजल आधारित ये पनडुब्बियां है। मुख्य रूप से क्या करेगी, अगर सामने से कोई पनडुब्बी आ रही है, सामने से कोई जहाज आ रहा है जिससे हमारे भारतीय नौसेना को या उसकी सुरक्षा को कोई खतरा है, तो उस पे ये हमला करेगी। या तो सामने से कोई क्या आ रही है पनडुब्बी, उसको नष्ट करेगी, या कोई नुकसानदायी किसी भी नौसेना का जहाज आ रहा है उसको टारगेट करके उसको मारेगी, ठीक है, उसको डुबो देने का काम है इसका, कलवेरी श्रेणी की जो 6 पनडुब्बियां है। और जो ये पनडुब्बियां बनाई जा रही है स्कॉर्पियन क्लास की, जो नई पनडुब्बियां है उसकी एक खास खूबी है, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होता है इनके अंदर। देखो देखो स्टूडेंट, क्योंकि पनडुब्बियां लंबे टाइम तक समुद्र के अंदर रहती है, तो पहले वाली जो पनडुब्बियां क्या होती थी, उनको कुछ टाइम के बाद समुद्र के ऊपर आना पड़ता था ऑक्सीजन के लिए। लेकिन जो लेटेस्ट पनडुब्बियां बनने लगी वो एक नई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, उसको बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब इनको सतह पर ऑक्सीजन के लिए नहीं आना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक समुद्र के अंदर ही ये रह सकती है। डन। ये क्लियर हो गया ना, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। फ्रांस द्वारा इसका जो डिजाइन और डेवलप की गई स्कॉर्पियन पनडुब्बिया थी उस पे ये बेस्ड है। 6 है हमारी, कलवारी, खांडेरी, बेला, वगीर, वागशीर, ये सारे नाम, और करंज है, ये हमारी 6 हमारी ये पनडुब्बियां है। डन। तो ये हमारी नेक्स्ट न्यूज हो गई। फिर एक नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आज के इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, ये जनरल स्टडीज पेपर 3rd में जाएगी, जनरल स्टडीज पेपर 3rd, क्योंकि तो एनवायरमेंट इकोलॉजी का ये मुद्दा है। इसमें है अंडमान, इन अंडमान साइंटिस्ट हिट अप न्यू फ्रॉग जेनेसिस, मतलब अंडमान निकोबार में एक मेंढक की नई प्रजाति मिली है, उसके बारे में एक खबर है। देखते हैं क्या खबर है। आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, इस क्लास के PDF आपको unacademy_NaveenTavar यहाँ पे मिलेंगे, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी यहाँ से आप PDF ले सकते हैं। अब ये मेंढक है रोहानी एक्सलस, रोहानी एक्सलस ये क्या है देखते हैं। भारत, इंडोनेशिया और चीन के अनुसंधानकर्ताओं ने अपनी खोज में अंडमान निकोबार के अंदर पहली बार एक ट्री फ्रॉग स्पीसीज, पेड़ पे रहने वाली एक मेंढक की प्रजाति को खोज किया है पहली बार। आपसे पहले नहीं खोजी गई थी अंडमान निकोबार में, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में इस मेंढक की खोज ने अंडमान और इंडो बर्मा क्षेत्र के बीच में जंतु जगत के एक्सचेंज के पैटर्न को दिखाया है। भाई पहले ये माना जाता था कि अंडमान और निकोबार में ये ट्री फ्रॉग्स नहीं मिलते, लेकिन ये म्यांमार के क्षेत्र में ये ट्री जो फ्रॉग है, मेंढक है, आसानी से मिलते थे। तब ये जो स्टडी कह रही है कि जो हमारे जंतु जगत है, जो हमारा फौना है, वो भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो मूवमेंट करता है, उसको दिखा रहे हैं। और ये रोहानी एक्सुलस विश्व की ट्री फ्रॉग फैमिली है जिसका नाम है राकोफोरिएड, इससे ये संबंधित है। डन। सिर्फ एक ही खबर आ गई, काफी बड़ा इसमें इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ था तो मुझे लगा एक बार बता देते हैं, कभी कहीं कोई जिक्र आ गया कि रोहानी एक्सुलस क्या है, तो पेड़ पे रहने वाली मेंढक की एक प्रजाति। क्लियर। नेक्स्ट है ये देखो, ये वो कल की न्यूज है जो मैंने बोला था एक न्यूज छूट गई है, वो मैं न्यूज आपको कराऊंगा, ये वो न्यूज है। ये देखो, सोशल इंफ्रा पीपीपी एलिजिबल फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग, हमें एक शब्द समझना होगा पहले, VGF, ये क्या होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, इस शब्द को समझेंगे उसके बाद पूरी न्यूज को देखेंगे। वैसे जो ये न्यूज जाएगी ये आपकी जनरल स्टडीज पेपर 3rd की है, अर्थव्यवस्था में जाएगी ये आपकी। ओके, वायबिलिटी गैप फंडिंग सुनो, सपोज करो एक सड़क बनानी है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से लेके चलते, एक सड़क बनानी है, ये एक सड़क बनानी है, ये सड़क बनानी है, और इस सड़क को बनाने में 100 करोड़ रुपए लगने हैं,
100 CR। ये सड़क की जगह आप ये मान के चलो, सड़क तो बना लोगे आप, मैं दूसरी चीज बनाता हूं, सड़क की जगह दूसरी चीज बनाता हूं, ये एक स्कूल, स्कूल बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है सरकार को, ये हॉस्पिटल बनाना है, ये लो ये हॉस्पिटल बनाना है। काफी बड़ी बिल्डिंग है ये, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है ये हॉस्पिटल बनाना है, और ये हॉस्पिटल बनेगा 100 CR, 100 करोड़ में। अब सरकार बोल रही है कि मेरे पास पैसा बहुत कम है, ऑलरेडी मुझे अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्रों में पैसा डालना है, और मैं जितने हॉस्पिटल बना सकती थी मैंने बना दी, अब मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है कि मैं नए नए हॉस्पिटल बनाऊं, समझ गए। तो सरकार बोलती है निजी क्षेत्र को, भाई आप आ जाओ, प्राइवेट फील्ड को बोला आप आओ, कुछ पैसा वैसा लगाओ भाई, मैं आपको कुछ मदद कर दूंगी। तब ये अगर 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है आपका हॉस्पिटल बनने का, ये 100 CR का प्रोजेक्ट है, सरकार बोलेगी कि जो वायबल वायबिलिटी गैप फंडिंग, समझो इस शब्द को समझो, वायबिलिटी मतलब वहनीय, कि इस प्रोजेक्ट को वहनीय बनाने के लिए, ये प्राइवेट सेक्टर कह रहा है भाई मेरे पास तो सिर्फ 60 करोड़ रुपए है, लेकिन हॉस्पिटल तो बनेगा 100 करोड़ में, तो अगर ये हॉस्पिटल चलाना है तो कम से कम 100 करोड़ रुपए तो चाहिए, तो कितने की जरूरत पड़ी भाई, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्राइवेट सेक्टर कह रहा है मेरे पास तो 60 करोड़ है, तो आपको 40 करोड़ रुपए की और जरूरत पड़ी कि इस प्रोजेक्ट को वहनीय बनाया जा सके, वहनीय मतलब ये हॉस्पिटल बने और चल पड़े। अब ये वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो ये गैप बचा सरकार बोलेगी ये 40 करोड़ रुपए मैं दे देती हूं आपको, ताकि ये प्रोजेक्ट वायबल हो सके, ये प्रोजेक्ट चल सके, तो जो गैप था 100 के और 60 के, 100 60 है और 100 करने के लिए 40 की और जरूरत है, ये लो सरकार बोलती है इसको मैं दे देती हूँ, ये सरकार दे देगी, ये लो, तो ये प्रोजेक्ट चल पड़ेगा। ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग, बिल्कुल बेसिक शब्दों में, ये बिल्कुल बेसिक शब्दों में वायबिलिटी गैप फंडिंग को मैंने आपको समझाया। किसी भी प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए जो पैसा रह जाता है, जो बच जाता है, सरकार बोलती है मैं डाल दूंगी उस पैसे को, दूसरा ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं होता, कई बार प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, लेकिन उसको पता है हॉस्पिटल बनाने से, स्कूल बनाने से, ठीक है मुझे उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो सरकार उसको मनाती है ठीक है थोड़ा पैसा आप लगाओ, थोड़ा हम लगाए, काम हो जाएगा। तो यही है सोशल इंफ्रा, सामाजिक जो अवसंरचना है, ये रहा सामाजिक अवसंरचना का पीपीपी एलिजिबल फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो सरकार बोल रही है कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैं 2100 करोड़ रुपए को आवंटित करूंगी, सामाजिक अवसंरचना के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, देखेंगे कौन से वो प्रोजेक्ट है, कहां कहां सरकार पैसा डालना चाहती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग का हम मतलब समझ गए कि प्राइवेट सेक्टर को ये लगता है कि मुझे एक तो रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, और कई बार ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि इन्वेस्टमेंट का भी एक इश्यू रहता है। डन, यस, गैप को फुल किया जाता है, क्योंकि निजी क्षेत्र को लगता है एक तो मुझे रिटर्न कम मिलेगा, मुझे प्रॉफिट कम होगा, और उसके साथ कई बार इश्यू ये होता है कि वो सारा पैसा भी नहीं लगाना चाहते। अब समझो, अब ये समझो सरकार ने किया क्या, ये देखो, आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना को व्यवहार्य अंतर्वित्त पोषण पोषण, जिसको वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं, ये शब्द मैंने समझा दिया। अब कभी भी आपके सामने आएगा ना, उड़ान योजना पढ़ोगे, बहुत सारी योजना पढ़ोगे कि VGF है वहां पे, वो सारी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है। अब ये देखो पूरी कहानी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, याद रखना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ये कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन होता है,
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ना कि वित्त मंत्री। अगर वित्त मंत्री दिमाग में है तो उसको काट दो, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। हाँ, कुछ पैसा सरकार देगी इसमें, कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर लेके आएगा। तभी तो बोलते हैं सार्वजनिक निजी सहभागिता। ये देखो सार्वजनिक निजी भागीदारी, तभी तो है ये पीपीपी। अब ये देखो तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी की योजना को वीजीएफ, उसके लिए वीजीएफ को जारी रखने और उसको रीस्ट्रक्चर करने की मंजूरी दी है और बोला है कि समय अवधि 2024-25 तक सरकार कितनी लागत, 8,100 करोड़ रुपए की आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट्स है उनमें निवेश करेगी। जो ये संशोधित योजना है इसमें सामाजिक आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र की सहभागिता को मुख्य धारा में लाने के लिए दो उपयोजनाएं शुरू की गई। भई हम सोशल सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें हमने दो स्कीम बना दी कि जब हम वायबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम लेके आ गए। अब उसको लेके आने के बाद हमने दो स्कीम बनाई। पहली स्कीम देखो ये रही सब प्लान वन। अब ये देखो अपशिष्ट जल शोधन, आपका जो अपशिष्ट जल है उसको शोधन करना, पेयजल की आपूर्ति करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। तो सरकार जो ये पैसा लेके आएगी प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रही है, वो किन किन सेक्टर में लेके आ रही है? देखो सामाजिक क्षेत्र अवसंरचना है, अपशिष्ट जल का संशोधन करना, जल की आपूर्ति करना, ठोस जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, हेल्थ का सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर, इसमें लेके आना। अब ये बताओ जो वेस्ट, जो आपका वेस्ट वाटर है उसको जब प्योरीफाई करोगे क्या उससे इतना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होने वाला है क्या प्राइवेट सेक्टर को? बिल्कुल भी नहीं। जो उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, क्या बहुत प्रॉफिट का ये आपका क्षेत्र है क्या? बिल्कुल भी नहीं। रिटर्न कम मिलता है यहां से प्राइवेट सेक्टर को, इसलिए वो नहीं आना चाहता और सरकार के पास भी पैसा कम है, एक्सपर्टाइज भी नहीं होती कई बार। तो प्राइवेट सेक्टर आएगा, पैसा भी लेके आएगा, अपना अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, अपना मैनेजमेंट भी लेके आएगा। सरकार बोलेगी ठीक है कुछ पैसा मैं भी दे दूंगी, पर लेकिन इन जो ये क्षेत्र है इसकी समाज को, एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए इन सारे सेक्टर्स में पैसा डालना पड़ेगा। क्या पूछना चाह रहे हो हिना? फटाफट बताओ हिना कहाँ अटक गई? दिलशाद रंगरेज, एथिक्स चल रहा है हमारा स्पेशल क्लास के अंदर। हिना का क्या क्वेश्चन था? डिपेंड करता है, देखो डिपेंड करता है, जो नॉर्मली वीजीएफ है ये 40% तक रहता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कोई रिजिड लाइन नहीं है, कोई रिजिड लाइन नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट में सरकार 60% तक भी खर्च कर देती है। ओके, नॉर्मली होता है 40%। ओके डन। अब देखो इस तरह की परियोजनाओं में, देखो इस तरह की परियोजनाओं में पूंजी लागत को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए बैंक संबंधी सामर्थ्य और कम राजस्व जैसे विषयों का सामना करना पड़ रहा है। देखो मैं यही तो बता रहा था आपको, ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, उसका प्योरिफिकेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। एक तो क्या होता है बैंक इनको पैसा नहीं देते इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, दूसरा यहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो कोई पैसा डालने के लिए तैयार ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तभी सरकार वीजीएफ लेके आई है। प्राइवेट सेक्टर को कहती है आओ आप भी आओ, अपनी टेक्नोलॉजी लाओ, मैनेजमेंट लाओ, मैं भी पैसा दूंगी। क्लियर हो गया ना? अब ये तो इसमें केंद्र सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत कुल परियोजना लागत का अभी कितना लेके आ रही है, 30% लेके आ रही है, और राज्य सरकारों से और मंत्रालयों से और निकायों से बोल रही है कि आप भी 30% और डालो। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है 30% तो मैं दे दूंगी, 30% और इंस्टीट्यूशन से लेके आ जाएंगे,
60 हो जाएगा और 40% लेके आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर। तो ये हो गया, ये 100% पूरा हो जाएगा, समझ गए, सब मिलके समस्या का समाधान कर लेंगे। डन। आई होप कि अब क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को। वापिस आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा उससे, तब वो पैसा वापिस आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि प्राइवेट सेक्टर फिर पैसा क्यों लगाएगा। अगर सरकार बोलेगी प्राइवेट सेक्टर से कि ये 60% वापस देना है 2 साल के बाद, ये लगाएगा ही नहीं पैसा, बोलेगा जाओ मेरे को डालना ही नहीं है, मैं 100 में से 40 रुपए भी लगाऊं और ऊपर से बोलो 60 भी मैं दूं वापस, नहीं होगा। वो बाद में रेवेन्यू के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में सरकार उससे वापस ले लेगी इनकम जो उससे जनरेट होगी। अब दूसरी योजना क्या थी, एक योजना तो ये बनाई, यह उपयोजना सामाजिक क्षेत्र की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता देगी। ठीक है, हमने देख लिया ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहां पे एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, प्योरिफिकेशन, और ये परियोजनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों से भी हो सकती है। तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पहले 5 वर्ष में पूंजी लागत का 80%, देखो जो प्लान वन में थी वहां तो केंद्र सरकार डाल रही थी 60%, मतलब जो प्लान वन के अंदर जोन जोन से क्षेत्र है, जोन जोन सी योजनाएं, वहां तो सरकार डालेगी वीजीएफ से 60% तक। जो प्लान टू है इनमें डालेगी सरकार 80% तक, समझ गए। और केंद्र सरकार इस परियोजना में कुल परियोजना लागत का अधिकतम 40% हिस्सा देगी, 40% खुद लगाएगी, बाकी दाएं बाएं से अरेंज कराएगी। इसके अलावा पहले 5 वर्षों में जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी होगी उसके लिए परियोजना की अधिकतम 50% संचालन लागत को भी सरकारी देगी। भाई ऐसा तो नहीं है सिर्फ हॉस्पिटल बना दिया और वो काम करने लगेगा, भाई ऑपरेशन के, हॉस्पिटल के रख रखाव को, उसको चलाने में भी तो खर्चा आएगा। तो सरकार ने बोला कि मैं मेंटेनेंस में और उसके ऑपरेशन में भी 25% तक पैसा मैं दे दूंगी, आ जाओ, लेकिन आप आओ मेरे अर्थव्यवस्था के, मेरे समाज के इन सेक्टर्स को आप हेल्प करो बाहर निकलने में। डन। देखो ये बहुत ही डायनामिक और टेक्निकल इश्यूज है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा, फिर आगे चलते हैं। उदय प्रताप बोल रहे हैं खम्मा गनी घनी खम्मा, ठीक है, बहुत जल्दी आ गए आप, क्लास एंड होने वाली है तब आपका पदार्पण हुआ है। डन हो गया, चलो वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब लाभ क्या होगा भाई, इस तरह की वायबिलिटी गैप फंडिंग अगर हम कर रहे हैं तो लाभ क्या होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा लाभ तो अभी तक। लाभ क्या होगा, परियोजना का जो मकसद है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र का जो ढांचा है उसमें पीपीपी को बढ़ावा देना कि प्राइवेट सेक्टर भी आए। देखो जो प्राइवेट सेक्टर आता है ना उसकी अपनी खुद की टेक्निक होती है, उसका अपना खुद का मैनेजमेंट होता है, तो उससे बेनिफिट जरूर मिलता है, ताकि परिसंपत्तियों का बेहतर सृजन हो, उनका बेटर ऑपरेशन हो, अच्छे से चल पाए और उसका रख रखाव मेंटेनेंस भी अच्छा हो। आर्थिक और सामाजिक रूप से जितनी भी जरूरी परियोजनाएं हैं उनको वाणिज्यिक रूप से हम उसको व्यवहारिक रूप में ला सके, भाई शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, इन सारी चीजों को हमें व्यवहार में भी तो लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा इनका एक्सपेंशन करना है तो वहां मदद मिलेगी और लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि बेसिकली देश का ये क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, लोगों का अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सॉलिड वेस्ट का बेटर मैनेजमेंट होगा तो एनवायरमेंट क्लीन होगा, तो अल्टीमेटली बेसिकली इससे देश के लोगों को ही फायदा होने वाला है, ये सब लाभ है। प्रभाव क्या होगा इसका, इसका इफेक्ट क्या आएगा, जो प्रस्तावित हमारी जो ये वीजीएफ योजना को नए रूप में लागू करने से सार्वजनिक निजी भागीदारी के क्षेत्र में अधिक से अधिक परियोजनाओं को आकर्षित किया जा सकेगा। भाई अगर ये अच्छी सक्सेसफुल होती है ये परियोजना कि हम बुला रहे हैं कि आप आओ स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में,
वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर सप्लाई में आप आओ और सपोर्ट करो। अगर ये परियोजनाएं अच्छी चल जाती है तो इन फ्यूचर हमें और ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, इन क्षेत्रों को उभारने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। नए अस्पतालों और स्कूलों के बनने से क्या होगा, रोजगार के अवसर भी तो पैदा होंगे, तो ये इसका इफेक्ट होगा। डन। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, फटाफट बताइए। जतिन, निकिता, शिव, जतिन, ओके, मनप्रीत, रीना, जितने नाम आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन, अतुल, असलम, ज्योति कुमारी, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। सूर्य प्रकाश, प्रेम कुमारी, सबको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो, चीन की नई हरकत है, पेपर में जाएगा, जनरल स्टडीज पेपर 2 IR में, और जनरल स्टडीज पेपर 3 भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी भारत की सुरक्षा का भी मामला है ये। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में जाएगा। चीन क्या कर रहा है, एक नया रेल प्रोजेक्ट बना रहा है जो हमारे अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, ये देखो उत्तर पूर्वी भारत का ये नक्शा कुछ इस तरह का है, ये उत्तर पूर्वी भारत है हमारा, ये यहां पे आपका भूटान है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके पास से वो एक रेल लाइन निकाल रहा है, ये यहां से एक रेल लाइन बिछा रहा है ये। तो भारत को फिर चिंता हो गई, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखो सबसे पहले तो देखते हैं सिचुएशन क्या है। ये देखो जो तिब्बत है वो चीन के अधीन एक ऑटोनोमस रीजन है, स्वायत्त क्षेत्र है। चीन एक परियोजना शुरू करना चाह रहा है जो उसका एक प्रांत है, सिचुआन प्रांत। ठीक है, उस सिचुआन प्रांत में चेंगडू, ये चेंगडू है, यहां से लेके वो यहां तिब्बत में जो ल्हासा है उसको जोड़ना चाह रहा है। तो यहां से लेके यहां तक पूरी, ये यहां से लेके यहां तक की पूरी एक 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेल लाइन है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक पूरी रेल लाइन को बिछाना चाह रहा है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसके बहुत नजदीक से होके जा रही है ये रेल लाइन। समझ में आया? फटाफट बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? और ये कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है ल्हासा से चेंगडू तक जोड़ने वाला प्रोजेक्ट, ये 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। डन। ऑलरेडी हम जानते हैं, पहले भी यहां पे डोकलाम था, ये डोकलाम था, ये पॉइंट था, ये डोकलाम था, यहां पे भी भारत को इश्यू था, भूटान तक आ गया था चाइना, अब ये अरुणाचल प्रदेश के बहुत निकट से जाता है, ये सारे इश्यूज है। अब ये देखो चीन के साथ प्रॉब्लम कहां कहां पे कैसे कैसे है हमारी, चीन के साथ प्रॉब्लम देखो, हमारे कुल मिला के 3 सेक्टर है, 3 क्षेत्र है जहां हमारा चीन के साथ तनातनी है। ये देखो पहला है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, ये लो 1570 किलोमीटर है, जहां ये अक्षाई चीन और ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है, गालवान वगैरह जो हम देख रहे हैं। उसके बाद है सेंट्रल सेक्टर, जहां हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है, वो 545 किलोमीटर लंबा है, यहां पे इसको हम सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं। और फिर है ईस्टर्न सेक्टर, जो सिक्किम से शुरू होकर इधर अरुणाचल तक है, 1325 किलोमीटर लंबा है, इसमें भूटान भी शामिल है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर में हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। ये ध्यान रखना, जब भी मैप बनाओगे, सपोज करो अगर भारत चीन सीमा विवाद का कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारत चीन सीमा विवाद, तो इस तरह से आप एक मैप बना लेना और यहां दिखा देना, ऐसे ही दिखा देना, ये हमारा कौन सा सेक्टर है, वेस्टर्न, फिर दिखा देना ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर,
ये वेस्टर्न सेक्टर है ऐसे लिख देना, ये सेंट्रल सेक्टर है ये लिख देना, और फिर यहां से ही ऐसे बना बना के दिखा देना ये ईस्टर्न सेक्टर है। मैप की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो बच्चों। आईआर में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर लेके आने और ज्योग्राफी में, तो विदाउट मैप बिल्कुल नहीं आएंगे। क्लियर हुआ ये आपको? कविता शेरावत पूछ रही है ज्योग्राफी के लिए एक स्ट्रेटेजी ले आता हूं, इस कोशिश करूंगा इस महीने ज्योग्राफी ऑप्शनल पे एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आ जाऊं, कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। इस तरह के मैप बनाना शुरू कर दो आप ज्योग्राफी में। और आईआर में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैप चाहिए तो आपको, देखो मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर चाहिए तो मैप बनाना आना चाहिए आपसे। डन, ओके। अब चलते हैं आगे की कहानी पे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट चीन के द्वारा रेल लाइन बिछाई जा रही है। देखो रेल लाइन बिछ रही है ये, तो चीन ने तिब्बत में अपने दूसरे महत्वपूर्ण रणनीतिक रेल लिंक, ऐसा नहीं है कि पहली बार बना रहा है, पहले भी एक बार और दूसरा रेल लिंक बनाया था, इस परियोजना की शुरुआत की है। और चीन का जो सिचुआन प्रांत है, सिचुआन प्रांत, उसको अरुणाचल प्रदेश के जो निकट था, जो मैंने दिखाया था निंगची, उससे जोड़ेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बिल्कुल निकट है। ये लो, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने इस परियोजना को लॉन्च किया, उन्होंने बोला कि देश के पश्चिमी क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में ये हमारा महत्वपूर्ण कदम है। तिब्बत तक पूरी एक्सेस लेके आना चाहते हैं वो चाह रहे हैं कि चीन का जो पूर्वी हिस्सा है उसको पश्चिमी हिस्से तक उसकी एक्सेस दी जाए। वहां का इनका दावा है कि हम वहां सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में हम यूनिटी को डेवलप करना चाहते हैं। और चीन को इस परियोजना का प्रमुख महत्व क्या है, जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है, तिब्बत ऑटोनोमस जो रीजन है, टी ए आर बोला जाता है, इसको चीन के आंतरिक क्षेत्र से जोड़ेगा। ये चीन के आंतरिक क्षेत्र से जोड़ेगा, जैसे अभी सिचुआन प्रांत से जोड़ना चाहते हैं, पहले अंदर किसी और, इन्होंने मेन चाइना लैंड के साथ जोड़ने की इनकी कोशिश है। इसी संदर्भ में आपको मैं बता देना चाहता हूं डोकलाम विवाद भी। ये लो डोकलाम, देखो ईस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में तो हमने लगातार देख लिया, वहां पे अक्साई चीन वाला मुद्दा है, वहां पे गलवान वैली वाले इश्यूज हमारे लगातार होते रहते हैं लद्दाख में। ईस्टर्न में एक तो डोकलाम आया था हमारा, यहां पे देखो देखो ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, ये उत्तर पूर्वी भारत का नक्शा है देखो, और यहां पे ये भूटान है। मैं आपको बता के दिखा देता हूं, यहां पे बना के ये सिक्किम जैसे, ओके, और ये हमारा अरुणाचल, ऐसे कुछ करके है ये मैप। तो ये सिक्किम है सेम, ये वाला जो मैंने दिखाया, ये वाला भूटान है जो यहां पे दिखा रहा हूं, ये भूटान है आपका ये वाला। तो यहां पे सिक्किम भूटान, यहां पे एक चुंबी वैली है, चुंबी घाटी, इस चुंबी घाटी में यहां पे है डोकलाम, ये है डोकलाम, ओके, लोकेशन है ये डोकलाम। और जो यहां पे ये भारत का जो एक कॉरिडोर है, ये वाला जो रास्ता है, इसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब ये देखो, तो डोकलाम क्या है, चुंबी घाटी में स्थित है, जो डोकलाम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट स्थित है। ये देखो ये निकट स्थित है, चीन के द्वारा भूटान के डोकलाम क्षेत्र में सड़क बनाने का काम किया गया था, अंदर तक घुसाया था, जबकि चीन और भूटान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। भारत ने काफी विरोध किया, चीन के ऊपर काफी प्रेशर बना था और चीन को वापस लौटना पड़ा था, ओके। तो डोकलाम में इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक एक जीत हुई थी, 2017-18 की बात है ये। तो डोकलाम पर चीन के नियंत्रण का अभिप्राय क्या होता, अगर डोकलाम तक चीन यहां तक आ जाता तो जो हमारा सिलीगुड़ी है इस कॉरिडोर पे कब्जा, वही चिकन नेक को इसने दबा लिया, उस मुर्गे की गर्दन को दबा लेगा चीन और हमारे उत्तर पूर्वी भारत को बिल्कुल काट देगा शेष भारत से।
क्लियर हुआ आपको ये? तो डोकलाम पे अगर चीन का नियंत्रण हो जाता तो सिलीगुड़ी गलियारा जो कि समूचे पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता वो खतरे में पड़ जाता। इसलिए भी मैंने नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के विवाद बता दिए। एक तो ये डोकलाम का था यहाँ पे, और यहाँ पे अभी जो ये रेल लाइन जारी है अरुणाचल प्रदेश के नजदीक से। ओके, ये सारे इश्यूज है। डन, इसे कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, स्पेशल क्लासेस चल रही है हमारी केस स्टडीज के ऊपर। ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, 9 तारीख को हुआ था, 10 तारीख को, 11 तारीख को, आज 13 तारीख है, कल दीपावली की छुट्टी रहेगी, फिर 15 तारीख को संडे के दिन भी क्लास होगी, याद रखना संडे के दिन केस स्टडी की क्लास है, और फिर 16 तारीख को यहां हमारी केस स्टडीज खत्म हो जाएगी। ओके, तो आज रात 9:30 बजे क्लास है, ध्यान रखना अन अकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। जिन बच्चों ने लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की उसको डाउनलोड कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्लासेस के लिंक पड़े हुए हैं, जाके उसको सीधा ज्वाइन करो और देखना शुरू करो। ये देखो, तो ये स्पेशल क्लासेस है मेरी अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, मात्र 6 कक्षाओं में आपके यूपीएससी की 120 अंकों की तैयारी हो जाएगी, और ये पहली ऑनलाइन ऐसी क्लास है जो सिर्फ 6 लेक्चर के अंदर आपके 120 मार्क्स को इंश्योर कर सकती है। देखो, ऐसी आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि केवल 6 डेज पढ़ा और आपके 120 मार्क्स इंश्योर हो गए। और यहाँ पे भी मैंने बताया ये ऐसी क्लासेस है, अगर आप उन सारी टेक्निक्स को सीख गए जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, तो 120 में से 80 से 90 नंबर आएंगे, किसी और सब्जेक्ट में आपके इतने अच्छे नंबर भी नहीं आ सकते। तो सिर्फ 6 क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ लर्निंग ऐप को डाउनलोड करनी है और अपने 120 नंबर आपको सिक्योर करने हैं। सेशन की डेट है 9, 10, 11, ऑलरेडी ये 3 क्लास हो चुकी है, जिस बच्चे ने नहीं देखी वो जाके फिर से देख सकता है, वो रिकॉर्डेड पड़ी है, और आज 13, फिर 15 और 16, ये 3 दिन क्लास होगी, और टाइमिंग होगी आपकी 9:30 से लेके 11 बजे तक, 11:10 तक चलती है, 100 मिनट का सेशन है ये हमारा। ओके, 100 मिनट के हमारे 6 सेशन है, मतलब कुल मिला के 10 घंटे आप पढ़ोगे और आपके 120 नंबर तैयार हो जाएंगे। ये बात है, इसलिए बहुत सीरियसली लेना है इन क्लासेस को। क्लास अन अकेडमी पे लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लास चल रही है, ये इस स्पेशल क्लास को आपको जाके देखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अंडर स्कोर नवीन तंवर, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे इसके लिंक पड़े हैं, वहां से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। मुझे फॉलो करेंगे तो आपको वैसे भी सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। उसके बाद फिर से नीतिशास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि बाय नवीन सर है ये आपकी, बस ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, unacademy_NaveenTanwar। जब भी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें नवीन1 कोड को यूज कर सकते हैं। अब आए हमारा डेली करंट अफेयर MCQ, देखते हैं आज के जो मुख्य MCQ कौन कौन से है। पहला, आशियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी स्थापना 1967 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है। दूसरा, इसकी स्थापना का जो मुख्य लक्ष्य है वो सदस्य देशों के आपसी विवादों का समाधान करना है। आप बताइए A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा? क्या सही उत्तर होगा इसका? सोच समझ के जवाब देना सब बच्चे, जल्दबाजी में जवाब बिल्कुल नहीं देना। क्या सही उत्तर है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है D, ये देखिए, यानी कि कोई नहीं। पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। क्यों? देखो, इसकी स्थापना तो 1967 में हुई,
लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है, मैंने आपको कल भी बताया था, हेडक्वार्टर इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। डन। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और मुख्य लक्ष्य आपको याद हो, मैंने आपको बताया था मुख्य लक्ष्य है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास प्लस स्थिरता। मुख्य लक्ष्य इसका आपसी विवादों का समाधान करना नहीं है, आपसी विवादों के समाधान के लिए एक मंच जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन मेन टारगेट है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डन। नेक्स्ट है, क्यों बनाया गया इस प्रश्न को, देख सकते हैं पीआईबी में खबर थी ये आज की, कि 17वें भारत आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ। मैंने कल डिटेल में बता भी दिया था, इसमें वियतनाम और भारत दोनों मिलके इसको होस्ट कर रहे हैं। और कल मैंने आपको कल के लेक्चर में कंप्लीट आसियान भी करा दिया था स्टूडेंट्स, आसियान क्या है, क्या महत्व है, भारत के लिए क्या महत्व है, वो सारा मैंने कराया टॉपिक ऑफ द डे में। नेक्स्ट है मिशन सागर, मिशन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस मिशन की शुरुआत कोविड-19 पेंडेमिक में हिंद महासागर के द्वीपीय देशों को सहायता देने के लिए की गई, और ये मिशन सागर भारत के सागर विजन के अनुरूप चलाया जा रहा है। ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या होगा, क्या इसका सही उत्तर है बताओ। क्या सही उत्तर है, सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। हमने मिशन सागर को लॉन्च किया था मई 2020 में, मई 2020 के आसपास था, क्या कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था तो हमने हिंद महासागर में जो छोटे छोटे द्वीपीय देश है उनको मदद देने के लिए शुरू किया था हमने, और तब हमने भेजा था आईएनएस केसरी, अगर आपको याद हो आईएनएस केसरी भेजा था हमने उस टाइम पे। और जो ये मिशन है भारत का एक सागर विजन है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है इंडियन ओशियन के छोटे छोटे देशों को लेके, वो मिशन है मैं आपको बता देता हूं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ लिख लेना इसको, फॉर ऑल इन रीजन, फॉर ऑल इन रीजन मतलब हिंद महासागर के सभी क्षेत्रों में सभी की सुरक्षा हो और सभी की समृद्धि हो। ये हमने सागर, हमारा ये विजन था, कब लॉन्च किया था इसको हमने, मैं बता देता हूं, सागर इनिशिएटिव 2015 की बात है, मार्च 2015, क्योंकि इस सागर जो हम हिंद महासागर के छोटे छोटे द्वीपों के लिए भारत की एक नीति है कि सबकी सुरक्षा हो और सब समृद्धि करें, तो हम इसी मिशन के तहत हमने सागर मिशन को, मतलब सागर विजन के तहत हमने सागर मिशन को लॉन्च किया था कोविड-19 पेंडेमिक में, छोटे छोटे 5 द्वीपीय देशों, जिसमें मॉरिशस था, मैं नाम बता देता हूं, मॉरिशस, मालदीव था, कोमोरोस था, मेडागास्कर था, उनके लिए हमने लॉन्च किया था ये। इस क्वेश्चन को क्यों बनाया, ये देखिए मिशन सागर टू, मिशन सागर टू लॉन्च किया हमने आईएनएस एरावत। देखो मिशन सागर वन में तो हमने किसको भेजा था, आईएनएस केसरी को, अब मिशन सागर टू में हमने किसको भेजा है, आईएनएस, एक जहाज है इंडिया का आईएनएस एरावत, इसको भेज रहे हैं सहायता देने के लिए, किसको, जिबूती एक छोटा सा देश है, मैं दिखा देता हूं कहां ये देश, ये देख सकते हैं ये छोटे छोटे देश है, सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, इनको मदद देने के लिए भारत ने मिशन सागर वन लॉन्च किया था। जो मिशन सागर टू है ये अफ्रीका का देश है, देखो यहां पे जिबूती, ये जिबूती है, इसके लिए हमने मिशन सागर सेकंड लॉन्च किया, हमने भेजा है आईएनएस एरावत, ये लो आईएनएस एरावत भेजा है इसके लिए। डन। क्लियर हुआ ये आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरईडीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। दूसरा, भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर उसको यह वित्तीय सहायता देती है। ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या है? कौन है, कौन है सही उत्तर इस प्रश्न का, क्या सही उत्तर है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये देखिए, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। देखो, ये IREDA फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है स्टूडेंट्स, जो कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका काम क्या है आईआरईडीए का? जो हमारे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है उन, या जितने भी हमारी प्रोजेक्ट्स है, भाई विंड एनर्जी हुई, बायोगैस एनर्जी हुई, ओके, या उसके बाद सोलर एनर्जी हुई, उसके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम है इसका। और साथ के साथ उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हुए। प्रश्न क्यों बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं। ये देखिए आज के PIB की खबर है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, जिसमें ये बोला है कि इरिडा की IREDA की अभी 33वीं वार्षिक बैठक हुई थी। तो हमें पता तो चले इरिडा क्या है, तो यहां साफ साफ लिखा है ये इरिडा क्या है, भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, मिनी रत्न कंपनी का इसको दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। दूसरा, यह एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो वार्षिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी रिपोर्ट करता है, अपने मतलब रिपोर्ट करता है उसको। बताइए ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, बिल्कुल सही। और सेकंड, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संगठन है जो हर साल अपनी रिपोर्ट किसको देता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उनका कोई अपनी रिपोर्ट देता है। प्रश्न क्यों बना, देखिए आज के द हिंदू की खबर है, नॉर्थ कोरिया ने UN की जो न्यूक्लियर बॉडी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इसके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्योंकि वो वहां दुनिया भर में जांच पड़ताल करती है न्यूक्लियर एनर्जी वेपन्स को लेके। नॉर्थ कोरिया के ऊपर इसने आरोप लगाया था, इस तरह के कुछ दावे चल रहे हैं कि वो अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनके स्टॉक पाइल को बढ़ा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है नॉर्थ कोरिया। ऐसी बात कही है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, जिसके चलते चर्चा में आई। ओके, यहां आप देख सकते हैं 1957 में ये बनी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्तमान में एक्टिव है, इसका हेडक्वार्टर है वियना में, 172 मेंबर स्टेट्स है इसके, मेंबरशिप देख सकते हैं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और चीन, बताओ कौन है, किसने दुनिया की पहली 6G
एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ज्यादातर बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। एक बच्चा ई ऑप्शन दे रहा है, ई तो है ही नहीं, अंकुर नागर ई बता रहे हैं, ई तो है ही नहीं अंकुर, ई कहां से आया ऑप्शन? ओके डन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन ने अभी दुनिया के फर्स्ट 6G जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये देखो खबर है आज की, चाइना सक्सेसफुली सेंड्स वर्ल्ड फर्स्ट 6G कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम तैयुआन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके इंडिया अभी 5G को अच्छी तरह से नहीं लेके आ पाया, चाइना 6G पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्रगतिशील है चीन। ओके तो ये देखो मेरी इस क्लासेस के आपको कहाँ पे मिलेंगी पीडीएफ, unacademy_Naveen Tavar, जितने पुराने लेक्चर्स है सबकी पीडीएफ भी यही है। कोड भी ध्यान रखना, इस कोड को मत भूल जाना। फिर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं दे रहा हूँ, हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास है वो 16 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को है हमारी दीपावली, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली है इसलिए बंद रहेगी। 15 नवंबर है संडे, जैसा कि आप जानते हैं संडे को हमारा ऑफ रहता है। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो 16 नवंबर को होगा, लेकिन 15 नवंबर संडे होने के बावजूद भी हमारी एथिक्स की क्लास होगी, ये ध्यान रखना। 15 नवंबर रात्रि 9:30 आपकी एथिक्स की क्लास है, इसको मत भूल जाना। ये मत सोचना कि नवीन सर आप 16 तारीख को मिलेंगे, 15 तारीख को भी रात को 9:30 मिलेंगे जहां हम एथिक्स की क्लास करेंगे। ओके उसके साथ ही आप सभी को और आपके परिवार को हैप्पी दीपावली। आप सब लोग बहुत खुश रहे, बहुत हंसी खुशी से आप सब लोग दीपावली मनाए। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। आप सभी लोग लवासना जाए जल्द से जल्द, आपको वहीं पार्टी देने आऊंगा, ठीक है? ये मेरा वादा है, जो बच्चा मुझसे जुड़ेगा लवासना तक जब तक उसको नहीं पहुंचा दूंगा मैं चैन से नहीं बैठने वाला। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो बच्चों। उसके साथ ही मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप नवीन वन कोड को जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतना ज़्यादा ही आपको हेल्प करूँगा। जो जो बच्चा नवीन वन कोड को यूज़ कर रहा है उसको पर्सनली गाइड करूँगा, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिनों में कौन से टारगेट करने हैं, क्या सोर्सेज होंगे, कौन कौन सी चीज़ों को टाइम वेस्ट नहीं करना, वो सारी मेंटरशिप मिलेगी आपको और 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कोई डाउट हो तो बताइए। मुझे भी दीपावली की विशेष दे रहे हैं बच्चे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। किसी का कोई डाउट? मीनाक्षी शर्मा पूछ रही है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। नोट्स मेकिंग पे अलग से मेरी वीडियो पड़ी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। देखो ये ऊपर टेलीग्राम चैनल है मीनाक्षी, इसको ज्वाइन कीजिए। नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी पे प्रॉपर एक वीडियो पड़ी है मेरी। ओके मिलते हैं रात को 9:30 स्पेशल क्लास में।